Now today we are going to discuss the substitution reactions and some special reactions which are known as the cleavage reactions. So first I am going to take the substitution reactions. Substitution reactions of alkenes. Okay, so हमारे पास कई टाइप की अल्कीन होती है. एक तो सिंपलेस्ट अल्कीन है जिसको हम बोलते हैं इथिलीन, ठीक है, या फिर सिंपल इथीन. और अगर हम बात करें अदर देन इथाइलीन और इथीन, वी हैव प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन. ओके, सो विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस इथिलीन, ऑल अदर अल्कीन्स दे कंटेन वन और मोर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, विच आर डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, सो इन दिस केस देयर इज ओनली वन अल्काइल ग्रुप ऑन द वन साइड. इफ वी टेक द टू ब्यूटीन देयर विल बी टू अल्काइल ग्रुप्स. ओके, सो अंडर सुटेबल कंडीशंस दीज अल्काइल ग्रुप्स कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जस्ट लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ द अल्केन्स. ओके, सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू टेक द रिएक्शन ऑफ दिस प्रोपीन एंड वी आर going to do the halogenation with chlorine at very high temperature of about 775 Kelvin. ठीक है, तो क्या होगा इसमें, rather than कि ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एड हो, ये क्या करेगी, इस अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करेगी. ठीक है, सो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HCl. Okay, so this type of reactions where the substitution takes place at the alpha carbon with respect to the carbon-carbon double bond, these type of reactions are known as the allylic substitution reactions. These are known as the allylic substitution reactions. And the hydrogens which are attached to the alpha carbon with respect to the double bond, they are known as the allylic hydrogen. क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एक क्लोरीन एटम जो है इस एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पे, और उसकी जगह पे आप क्लोरीन एटम लग रहा है. ओके, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. सो मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे ये बिलीव किया जाता है कि जो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो किस तरीके से चलेगी, एट वेरी हाई टेम्परेचर chlorine get dissociated into the two chlorine free radicals. ठीक है, तो first step में हमारे पास chlorine जो है high temperature पे chlorine free radical बना रहा है. second step में क्या हो रहा है, ये chlorine free radical अब alkene पे attack करेगा. कहाँ पे attack करेगा, alpha carbon पे. ठीक है, जैसा हम alkenes में देखते हैं कि chlorine free radical alkyl group पे attack करता है, तो वहां से एक proton लेके HCl फॉर्मेशन करेगा और वहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा, जो क्या हम बोलेंगे इसको, दैट इज अलाइल रेडिकल. ओके, थर्ड स्टेप में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि दिस अलाइल फ्री रेडिकल फर्दर अटैक्स ऑन द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एंड इट विल फॉर्म अलाइल क्लोराइड एंड अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल. ठीक है, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से सेकंड स्टेप में प्रोसीड करेगा और फिर से थर्ड स्टेप प्रोसीड होगा और ये रिएक्शन जो है चलती रहेगी. ठीक है, अब यहां पे एक सरप्राइजिंग सी बात में यहां पे देखने को मिलती है कि ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है अल्कीन पे अटैक कर रहा है, बट ये कहां कर रहा है, एलिलिक पोजिशन पे कर रहा है, अल्फा कार्बन पे कर रहा है. ठीक है, राधर देन कि वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कर रहा है. ओके, बट हमने पीछे एक पढ़ा था रिएक्शन, जब हम HBr की एडिशन करते हैं ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, इस तरह की प्रोपीन अगर हो, तो वो भी अगर हम परोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो वहां पे तो HBr जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड होती है. बट इस केस में ये चीज नहीं हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है, तो ये भी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड हो सकता है लाइक दिस, कि हमारे पास ये प्रोपीन बनी हुई है और ये एक हमारा फ्री रेडिकल है. अब ये भी तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक कर सकता है, अगर ये यहाँ पे अटैक करे तो क्या बनेगा, देयर विल बी ए एडिशन प्रोडक्ट. तो फ्री रेडिकल जो है इस कार्बन पे आ जाएगा, जो कि एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल है. ठीक है, तो फर्दर
जो नेक्स्ट रेडिकल है वो इस कार्बन पे ऐड होके इट कैन फॉर्म द डाई हैलो और डाई क्लोरो प्रोपेन फॉर्मेशन कर सकता है। बट यहां पे ये सजेस्ट किया, किसने सजेस्ट किया था? ब्राउन ने, एक साइंटिस्ट है ब्राउन, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो जब हैलोजन ऐड करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे तो ये जरूर बनता है वहां पे, बट बिकॉज वहां पे टेम्परेचर जो हमारा बहुत हाई है, ठीक है, एडिशन तो होती है इसमें, टेम्परेचर जो है बहुत हाई है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहां से ये जो है हैलोजन फिर से ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे हैलोजन जो है फिर से एक्सपेल आउट हो जाता है, तो देयर इज ए एक्सपल्शन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है, अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल यहां से फिर से एक्सपेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, अगेन इट विल फॉर्म द अल्कीन, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अल्कीन की एडिशन प्रोडक्ट नहीं मिलती हमें, हमें क्या मिलती है, एलिलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलती है, ओके, सो ये थी हमारी एलिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी तरह से अगर हमने एलिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है ब्रोमीन की, वो भी हम कर सकते हैं, देयर इज एन एक्सीलेंट रिएजेंट फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन दैट इज NBS, what is NBS? NBS is known as the N-bromo-succinamide. N-bromo-succinamide. ठीक है, सक्सिनिक एसिड का अमाइड है और उस पे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, तो what is सक्सिनिक एसिड, तो सक्सिनिक एसिड is CH2COOH and CH2COOH. This is known as सक्सिनिक एसिड, ओके, अगर हमारी यहां पे रिएक्शन हो जाए सक्सिनिक एसिड की अमोनिया के साथ, सो व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म द सक्सिनामाइड, सो व्हाट इज सक्सिनामाइड, इट इज द CH2CO एंड वी हैव NH हियर, ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है हमारे पास, NH आ रहा है, तो फर्दर यहां पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराते हम ब्रोमीन से, तो दैट विल फॉर्म द N ब्रोमो सक्सिनामाइड, That is known as the N-bromo-succinamide. अब अगर हम इस reagent को use करें alkene के साथ reaction करने में in the presence of light, so what would be the reaction? We have a simple propene and we are going to make it react with the N-bromo-succinamide. So ये भी क्या करेगा वहां पे? In the presence of light, this bromine will substitute the hydrogen from this carbon, ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास, there will be a allyl bromide formation will be there, ठीक है, plus क्या बन जाएगा, succinamide, CH2, CH2O, CO and we have the NH here, okay, so this is the another reaction in which we can substitute the allyl hydrogen by the bromine. Next we have the substitution of at the vinylic position, means the carbon-carbon double bond ke upar jo hydrogen hai unki substitution karni hai, that is known as the vinylic substitution, okay, so what is the reaction, we are going to react it with the acyl chloride, okay, the reaction of alkenes with acyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, there will be a allylic substitution and what will be the product, that will be the alpha beta unsaturated ketone, alpha beta unsaturated ketone, now this is a ketone, okay, the alpha and beta position has the double bond, so it is known as the alpha beta unsaturated ketone, okay, the hydrogen of the alkene has been substituted by the acyl group, now this reaction is comparable to the Friedel-Crafts reaction of benzene, Friedel-Crafts reaction of benzene, theek hai, to usme bhi same hota hai benzene mein, jab hum Friedel-Crafts reaction karte hain acyl chloride se acylation karte hain Friedel-Crafts acylation, to same reagent anhydrous AlCl3, तो क्या बनते हैं वहां पे हमारे पास, बेंजीन का एक प्रोटॉन जो है वहां से सब्स्टिट्यूट होता है और वहां पे एसाइल ग्रुप लग जाता है, ओके, सो वहां पे भी हमारे पास क्या मिलते हैं, वी गेट द अल्काइल फिनाइल कीटोन्स, ओके, वी गेट द अल्काइल फिनाइल कीटोन्स, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, सो इट इज अ सिंपल मैकेनिज्म, फ
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द एसाइल क्लोराइड एंड AlCl3 व्हेन दे रिएक्ट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एसिलियम आयन एंड AlCl4 नेगेटिव, मींस द AlCl3 इज एक्टिंग एज अ हैलोजन, यू कैन से अब्स्ट्रैक्टर, ठीक है, इट इज अब्स्ट्रैक्टिंग ए हैलोजन फ्रॉम द एसाइल क्लोराइड एंड प्रोड्यूसिंग ए एसिलियम आयन. नाउ इन द सेकेंड स्टेप व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस एसिलियम आयन अटैक्स द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देर इज ए प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन. ओके, सो ए कार्बन कार्बोकेटाइन इज प्रोड्यूस्ड. ओके, सो वंस दिस कार्बोकेटाइन इज प्रोड्यूस्ड, सो दिस हाइड्रोजन लीव्स इट्स साइड एंड लेफ्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स इन टू दिस पोजिशन. सो वन हाइड्रोजन और प्रोटोन, यू कैन से इट इज लीव फ्रॉम देयर साइड एंड इट विल प्रोड्यूस द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. ओके, इस तरीके से हमारे पास जो है कीटोन प्रोड्यूस होते हैं. तो इस पूरी रिएक्शन में हुआ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ने क्या जनरेट किया, एसिलियम आयन, ठीक है, दिस इज नोन एज द एसिलियम आयन. ओके, विच अटैक्स द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड फॉर्म ए कार्बोकेटाइन. ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बोकेटाइन क्या कर रहा है, एक प्रोटोन को लूज कर रहा है और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट द substitution reaction of the alkenes. Next we have the some cleavage reactions. These are very very important cleavage reactions. Cleavage reactions. So what are cleavage reactions? देखो क्या होता है कि alkenes में कुछ एक type की certain type की reactions होती है जिसमें carbon carbon bond जो है वो completely break हो जाती है, ठीक है, और alkene के है कुछ ऐसे molecule में change हो जाता है कि जो छोटे छोटे fragments होते हैं. तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक बड़ी अल्कीन जो है छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है उसको हम बोलते हैं क्लीवेज रिएक्शन. तो ऐसी एक क्लीवेज रिएक्शन हमारे पास है जब रिएक्शन करते हैं हम अल्कीन की ओजोन के साथ, दैट इज नोन एज ओजोनोलोसिस, दैट इज नोन एज ओजोनोलोसिस, ठीक है. तो इस ओजोनोलोसिस में क्या होता है कि देयर इज ए क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद द ओजोन, ठीक है. तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में हमारे पास there is a addition of ozone होती है, ठीक है. जब addition of ozone होती है तो हमारे पास एक वहां पे intermediate बनता है, that is known as the ozonide, that is known as ozonide, ठीक है. second step में क्या होता है कि ये जो ozonide है, ozonide की decomposition होती है with some suitable reagents and it produces the lower fragments which consist of aldehydes, ठीक है, या तो दोनों aldehydes होंगे या फिर एक aldehyde होगा, ओके, और एक क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है, एक क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है. ये जो डीकम्पोजिशन स्टेप है हमारा, दैट जनरली कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं जिंक डस्ट एंड वाटर, ठीक है. ये जो मिक्सचर है एक रिड्यूसिंग मिक्सचर है जो ओजोनेट को रिड्यूस करता है अल्डिहाइड और कीटोन में. लेट अस सी द एग्जांपल. सपोज वी हैव द प्रोपीन, this is the propene and we are going to make interact with the ozone. First step is the formation of ozonide. So this is the ozonide. Okay, so here we have a CH3 and H and H and H. Okay, this is the propene ozonide. In the second step, water and zinc. So kya hoti hai yahan pe, reduction hoti hai. So yahan pe kya formation hota hai, CH3 COH plus COH and H. Now in this case, there is a formation of ethanol and the methanol, or you can say formaldehyde, ठीक है, and acetaldehyde. Okay, so अगर हम ये step जो है, ये जो reaction है, in the presence of water करें और zinc dust वहाँ पे use ना करें, then जब ये water यहाँ से oxygen लेके जाएगा, तो वहाँ पे क्या produce होगा? Hydrogen peroxide produce होगा, ठीक है. और हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, जो यहाँ पे जो एल्डिहाइड बन रहे हैं इनिशियली, ओके, उनके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्मेशन करेगा. ओके, मीन्स अगर हम इसको वाटर को रिएक्ट कराते हैं, सो फर्स्ट इट विल फॉर्म द एस्टरडिहाइड एंड द
the formaldehyde, then plus there is a formation of hydrogen peroxide. Now this hydrogen peroxide will oxidize this aldehyde into the acetic acid and this formaldehyde into the formic acid. ओके तो उस टाइम पे हमारे पास ये चीजें बनेगी अगर हम सिर्फ और सिर्फ वाटर यूज करते हैं. ओके लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन किस तरीके से ओजोनोलिसिस होती है. सब जो पहला स्टेप है दैट इज ओजोनाइजेशन मींस एडिशन ऑफ ओजोन है. सेकंड स्टेप इज ओजोनोलिसिस मींस देयर इज अ डीकंपोजिशन. ओके सो फर्स्ट स्टेप इज द एडिशन ऑफ ओजोन. एडिशन ऑफ ओजोन दिस इज नोन एज द ओजोनाइजेशन. ओजोनाइजेशन ओके सो ओजोन रिएक्ट विग्रेसली विद द एल्कीन एंड फॉर्म ए हाईली अनस्टेबल कंपाउंड इनिशियली. सो दिस इज द एल्कीन एंड ओजोन इट इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स. ओके एंड इट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज हेयर एंड वी हैव द नेगेटिव चार्ज हेयर. ओके सो इट विल अटैक दिस कार्बन and these electron attack on this oxygen and these electrons get shifted to this oxygen. Okay, so first it forms a highly unstable ozonide that is known as the molozonide. Okay, so this is known as the molozonide. Okay, so further it get rearranged. Rearrangement is there and it will form a ozonite. This is known as the ozonite. Okay, so अब बात आती है कि ये rearrange किस तरीके से करता है. जो rearrangement है molozonite की to ozonite is believed to take place through the dissociation of molozonite into a reactive fragments which recombine to form the ozonite. कैसे होता है कि सबसे पहले ये जो हमारे पास molozonite है this is the molozonite. ओके तो ये क्या करता है अपने आप को डिसोसिएट करता है. तो डिसोसिएट कैसे होगा कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होती है ठीक है और ये बॉन्ड जो है यहां पे शिफ्ट होती है एंड यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. तो क्या होगा यहां पे हमारे पास एक इस तरह की स्पीशीज बनेगी ठीक है प्लस एक हमारे पास स्पीशीज बनेगी जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है एंड we have one oxygen which is singly bonded and this oxygen is having the negative charge. Okay, this is having the negative charge and this oxygen is having the positive charge. Why positive charge? Because it is forming the three bonds. ठीक है तो अब ये दोनों ही reactive species हैं. ये oxygen attack करती है फिर से इस carbon पे okay और ये electron attack करते हैं इस carbon पे and ये double bond के electron जो है वापस shift होते हैं यहाँ पे. तो क्या बन जाते हैं हमारे पास रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन गई. ऑक्सीजन कम्स देयर ओके एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ ओजोनाइट. नाउ दिस इज द ओजोनाइट ठीक है. यहां तक तो स्टेप था ओजोनाइट फॉर्मेशन का मींस एडिशन ऑफ ओजोन जिसको हमने बोला ओजोनाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप जो है सेकंड स्टेप दैट इज ओजोनोलोसिस ठीक है. अब ओजोनोलोसिस मींस क्लीवेज होनी है ठीक है. तो ओजोनाइट्स जो बने ठीक है दे आर देमसेल्व अनस्टेबल कंपाउंड्स. ओके सो दे आर नॉट आइसोलेटेड बट दे आर रिड्यूस्ड डायरेक्टली विद जिंक एंड वाटर एंड ईल्ड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स ठीक है. सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलिसिस. जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है हमारे पास ओजोनोलिसिस में जो कि एल्कीन की ओजोनोलिसिस करने में बनती है इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एल्डिहाइड और कीटोन्स ठीक है. डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन कौन से हैं ठीक है. अगर तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है देन इट विल बी एल्डिहाइड और अगर यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है देन इट विल बी कीटोन. और सेम यहाँ पे है कि अगर हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे चारों साइड पे जो है अगर तो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन ठीक है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ अल्कीन इन विच वी हैव ऑल फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स R1, R2, R3 एंड R4 एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद ओजोन. सो फर्स्ट इट विल फॉर्म द ओजोनाइट R1 एंड R2 ऑक्सीजन R3
एंड आर फोर एंड वी हैव ओजोनाइट. ओके नेक्स्ट स्टेप में जिंक और वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी सो वी विल हैव द कार्बोनिल ग्रुप हियर एंड आर वन एंड आर टू एंड प्लस ऑक्सीजन एंड वी हैव द आर थ्री एंड आर फोर. ठीक है डिपेंडिंग अपॉन कि अगर तो R1 हाइड्रोजन है तो ये अल्डिहाइड बनाएगा, अगर दोनों ही हाइड्रोजन है तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा. ठीक है अगर ये दोनों ही क्या है अल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन बनेगा. सेम इज द केस विद दिस साइड. ठीक है सो यहाँ पे बात नोट करने वाली है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाती है ठीक है उस पे क्या अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो वहां पे अल्डिहाइड बनेगा. अगर एक भी कार्बन पे हमारे पास अल्डिहाइड आ गया एक हाइड्रोजन आ गया तो वो अल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा. ठीक है वो क्या करेगा अल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपलेस्ट सी अल्कीन है जिसमें वी हैव टू अल्काइल ग्रुप ऑन दिस कार्बन विच इज हैविंग द डबल बॉन्ड एंड वी हैव वन अल्काइल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन ऑन दिस साइड. सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी अब मैं फिर से पूरा कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखूंगा जस्ट सिंपलेस्ट बता देता हूं आपको कि किस तरीके से रिएक्शन करनी है कि यहां से बॉन्ड ब्रेक करनी है एक ऑक्सीजन इस साइड पे दूसरी ऑक्सीजन इस साइड पे तो तीसरी ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ निकल जाती है या जिंक के साथ निकल जाती है. ठीक है तो हमारे पास ये बनेगा एसीटोन दैट इज प्रोपेनोन प्लस अब क्योंकि इस कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन है देन इट विल फॉर्म द अल्डिहाइड. सो इट विल फॉर्म द अल्डिहाइड. ठीक है सो अब ये चीज यहां से क्या पता चलती है कि दो डिफरेंट अल्कीन्स कभी भी सेम कॉम्बिनेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं बनाएंगे. ठीक है तो इस तरीके से हम इसको ओजोनोलिसिस को कह सकते हैं कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू देयर डिग्रेडेशन टू द सिंपल फ्रेगमेंट्स. मींस अगर हम एक सिंपल अल्कीन है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी डबल बॉन्ड कहाँ है तो सिंपल उसकी ओजोनोलिसिस रिएक्शन करा के जो प्रोडक्ट बनेंगे ठीक है वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है और वो कंपाउंड क्या है. ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सी एच थ्री सी एच टू सी ओ and we have CH2, CH2, CH2 and CH3 plus we have an aldehyde that is this type of aldehyde CH2, CH2, CH3. Simply क्या करना हमने जहां पे ये दो ऑक्सीजन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इसको हमने थोड़ा सा रिवर्स करके इस तरीके से लिखना है कि यहां से ये प्रोटोन हम यहां से रिमूव कर दें. ओके इसको अगर हम यहां से रिमूव कर दें और ऑक्सीजन यहां पे लगा दें इसको मतलब रीअरेंज करके हम लिखें इसको तो क्या बनेगा हमारे पास कि वी हैव अ डबल बॉन्ड हेयर एंड वी हैव अ हाइड्रोजन हेयर. तो इन दोनों ऑक्सीजन को हम अगर यहां से निकाल दें और इन कार्बन कार्बन को हम डबल बॉन्ड से जोड़ दें सो वी विल हैव द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड वन इज हाइड्रोजन हेयर एंड वन इज प्रोपाइल ग्रुप इज हेयर. ओके सिमिलरली ऑन दिस साइड वी हैव वन इथाइल ग्रुप and we have one butyl group CH2 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 and CH3 so we can say that this is the parent alkene okay which upon osmolysis will yields this ketone and this aldehyde. okay the another cleavage reaction that is action of hot concentrated potassium permanganate action of hot and concentrated पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन. ओके सो सेम अल्कीन की ऑक्सीडेशन होती है पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ और हॉट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन हम ले रहे हैं पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ तो जनरली ये अल्कलाइन मीडियम में हम लेते हैं इसको. ठीक है इन द बेसिक मीडियम तो बेसिक मीडियम में क्या करता है हॉट कंसेंट्रेटेड केएमआर फोर सॉल्यूशन ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की हमारे पास अल्कीन है. तो कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट बनते हैं एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं दूसरा हमारे पास कीटोन फॉर्मेशन हो सकती है एंड वी कैन गेट हैव द कार्बन डाइऑक्साइड्स. ठीक है ये तीन टाइप के बनेंगे. अब क्या होगा कि सपोज अगर तो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसमें अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं तो मीन्स जब यहां से क्लीवेज होगी ये जो हमारे पास सी एच टू ग्रुप होगा दैट विल चेंज इन टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे किसी भी साइड पे एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप हुआ देन इट विल फॉर्म द फर्दर फर्स्ट इट विल फॉर्म द अल्डिहाइड देन इट विल चेंज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि क्योंकि KMn4 वहां पे पड़ा हुआ है सो वो क्या बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा लास्ट में. अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों ही अल्काइल ग्रुप हुए
ठीक है, तो वो क्या चेंज हो जाएंगे, वो कीटोन में चेंज हो जाएंगे, दैट विल चेंज द कीटोन. लेट अस टेक एन एग्जांपल, सो वी हैव CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3. ओके, वी आर गोइंग टू डू द रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हॉट एंड कंसंट्रेटेड. ओके, एंड इन द बेसिक मीडिया OH नेगेटिव. सो व्हाट विल बी फॉर्म now this carbon is having two alkyl group, now this group will change into the ketone group, that is CH3COCH3, and we have a alkyl group and a hydrogen on this carbon carbon double bond, so it will form the carboxylic acid, that is CuH. okay, agar hamare paas yahan pe kya hota, H double bond C and H is here means propene hoti. So same reaction under similar condition, it will form one acetic acid plus one carbon dioxide and water. Okay, क्योंकि अब ये carbon carbon double bond में हमारा क्या CH2 group है, तो CH2 group का हमने पढ़ा था क्या बनेगा, उसका carbon dioxide and water बनेगा. और यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस carbon पे एक hydrogen और एक alkyl group है, तो इसका अब क्या बनेगा, carboxylic acid बनेगा. Okay, so this type of product will be formed. अगर हमारे पास हम simple ले लेते हैं इथाइलीन, अब इथाइलीन की जब ऑक्सीडेशन होगी विद KMnO4 तो क्या बनेंगे, यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो दो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड दो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ओके, सो ये हमारी रिएक्शन है जिसमें हमने स्टडी किया क्लीवेज रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इसी के साथ ही हमारा जो अल्कीन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लो अल्कीन्स की नेक्स्ट लेक्चर में.